Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय हम अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो कैंप कार्यालय है अलीगढ़ सिटी में, जो कि सिंचाई विभाग के कैंपस में है, वहीं से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कि गाड़ी से फाइलें उतर रही हैं। ये फाइलें जो हैं आगरा की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा सौंपी गई हैं अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को। ये लगभग जो है 400 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज हैं उनकी फाइलें हैं। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, इन चार ज़िलों की फाइलें पूरे अलीगढ़ मंडल के जो डिग्री कॉलेज हैं 5814 फाइल हैं जिनकी सौंपी गई हैं, जैसा कि देख रहे होंगे आप, उतारी जा रही हैं। और उसको जो कैंप कार्यालय है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, उसके गोपनीय विभाग में पहुँचाया जा रहा है। तो अभी हम जानकारी करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर से कि आखिर कौन कौन सी फाइलें जो है आगरा यूनिवर्सिटी ने अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को सौंपी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी फाइलें आई हैं और कितनी फाइलें आज आई हैं? सर्वप्रथम मैं प्रभात खबर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और इसके कर्ता धर्ता चमन शर्मा हैं, और इनके धन्यवाद के साथ साथ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा हमें जो फाइलें हस्तगत की गई है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय को, लगभग 5814 फाइलें हैं, जिसमें संबद्धता, शिक्षक अनुमोदन, एनओसीज, टीचर्स अनुमोदन इत्यादि फाइलें हैं। और इसके हस्तगत हो जाने की वजह से हमारी गति बढ़ जाएगी। और यह जो प्रयास है, यह लगभग जब मैं ज्वाइन किया तब से मैं प्रयास कर रहा था, जनवरी से ही प्रयास कर रहा था। और इस प्रयास के लिए विशेष रूप से चमन शर्मा जो प्रभात खबर के हैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा। और इसके लिए विशेष रूप से आप यह कह सकते हैं कि जो फाइलें हस्तगत की गई हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। इनके इंटरवीन करने के बाद यह चीज़ें हमें मिल पाई हैं। अगर हमारे समझ से अगर मुख्यमंत्री जी इंटरवीन नहीं किए होते तो हो सकता था अभी वह चीज़ें वैसे लिंगरान होती। तो इसमें हार्ड कॉपी दी गई है या सॉफ्ट कॉपी? नहीं, हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड उन्होंने किया है, क्योंकि वह उन्होंने पेजिंग नहीं किया है। इस वजह से हमने कहा कि भाई सॉफ्ट कॉपी आवश्यक है, हार्ड कॉपी में कुछ अगर मान लीजिए कोई पेज मिसिंग अगर होगी तो हम सॉफ्ट कॉपी से उसका मिलान कर लेंगे। यह फाइलें आगरा की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सौंपी गई हैं, जिसका इंतज़ार था जब से अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई और उसके बाद शासन आदेश जारी हुआ। 21 जनवरी से लगातार राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा इन फाइलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास था, जो कि आज अलीगढ़ में आ गई हैं। हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं कि ये 5814 फाइलें हैं जो सौंपी गई हैं अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं महेश कुमार जी, उनके द्वारा जो ये फाइलें आई हैं इनका निरीक्षण किया जा रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे, इस समय हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के कैंप कार्यालय पर हैं और यह है अधीक्षण अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन मंडल दोधपुर पर बनाया गया है। तो यहीं पर ये फाइलें आई हुई हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है अपने निर्माण स्थल पर, और अभी ये सभी फाइलें यहीं पर कैंप कार्यालय के गोपनीय विभाग में रखी जाएंगी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।